शहजा क्या है, कभी यहाँ रहे नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ उसका मकान नहीं, यहाँ उसकी जमीन नहीं, क्या लेना देना है उसका। अब तक कांग्रेस जीरो हो ली है, तो कांग्रेस जीरो है, जीरो के आगे और पीछे क्या आप लगाओगे? राहुल गांधी आ जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा, कोई आ जाए, मैंने कह दिया आपसे बहुत बड़े लाखों से जीतूंगा। आओ मैदान में, आओ कुछ करके दिखाओ, जब मौका मिला था कुछ करके दिखाया होता तो आज ऐसी दुर्गति नहीं होती कांग्रेस की। इसकी फाइट दो ही है, मोदी को जिताने की, मोदी को हराने की। जो एक पक्ष जो जिताने में खड़ा है, जिताने वाला पक्ष जो है वो 80% है। My school, it's right place and change along my school, thanks. This is our computer lab, we charge computer from church center itself. This is a school for my dream come true. कांग्रेस में तो मजाक हो रहा है, कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हो रहा। हुड्डा साहब कहते हैं, कहता है भाई मेरा तो बेटा लड़ेगा, और कहता है सुरजेवाड़ा लड़े, शैलजा लड़े, और आपका ये क्या नाम किरण चौधरी ये चुनाव लड़े। वो मजाक कर रहे हैं कि इन्हें फंसाने का काम रहे, वो जानता है कि ये चुनाव लड़ेंगे तो ये हारेंगे, इस करके ये बातें कर रहे हैं। बड़े नेता चुनाव लड़ क्यों नहीं रहे हैं, तो सब क्या लगता है, बीजेपी सेंटर लगता है? उन्हें पता है कि मोदी साहब का इतना बड़ा कंडा, हारेंगे जमानते जब तक, उन्हें अपने करियर का आगे फिक्र हो रहा है कि आगे विधानसभा में क्या होगा। पहले दो बार लड़ी जन हारी है ना, बुरी तरह 87 में लड़ी, उसके बाद फिर वो 89 में लड़ी, दोनों बार बहुत बुरी तरह लाख लाख वोट से हारी है। शहजा क्या है, कभी यहाँ रही नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ उसका मकान नहीं, यहाँ उसकी जमीन नहीं, क्या लेना देना है उसका। अशोक तंवर जी की यहाँ कोठी है, उसकी कोठी है क्या, यहाँ कोई उसका एड्रेस है क्या, कोई पता है, दिल्ली में रहती है, कभी आई नहीं। दोनों नहीं, हम 400 कैंडिडेट हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का जहाँ कमल है उसके साथ हम खड़े, कमल की छांव में हर पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है, हमसे ज़्यादा हमारा पूरा जो कार्यकर्ता है वो जी जान से लगा हुआ है। मैंने संयोग है, पिछली बार आप दोनों कांग्रेस में कर रहे थे मेहनत और आप भी वोट मांग रहे थे। नहीं, ये परमात्मा जगह जगह बैठाता है, देखिए अब कांग्रेस रही नहीं, खत्म हो रहे, सब पार्टीज खत्म हो गए, एक पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी। नतीजे आपके हिसाब से कितने वोटों वाले क्या रहे? देखिए अभी तो इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल होंगे, सामने कैंडिडेट हिसार में कौन आएगा, यहाँ कौन आएगा, ये अभी नहीं कह सकते, पर आप ये मान के चलें कि लाखों की लीड है यहाँ भी वहाँ पर। ब्रजेंद्र सिंह की चर्चा चल रही है कि वहाँ से हिसार से ब्रजेंद्र सिंह लड़े, कोई आए, राहुल गांधी आ जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा, कोई आ जाए, मैंने कह दिया आपसे बहुत बड़े लाखों से जीतूंगा। कांग्रेस की उम्मीदवारों की देरी क्या नुकसान पहुँचा सकती है? नहीं नहीं, देखिए मैं आपसे बताऊँ, जब एक अंग्रेजी का शब्द है स्टॉर्मी पैटर्न ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यूरोपियन अखबार ये लिखता है कि जब एक समुद्र में जब तूफान आता है ना, तो एक पक्षी उड़ के आता है, वो पक्षी उड़ के आते हैं तो मल्ला अपनी किश्तियाँ और अपनी मछलियों को छोड़ के बाहर भागने का करते हैं, बचने का। नरेंद्र मोदी तूफान है, आज जो भी आता है सब, चाहे कांग्रेस हो, सब जीरो हो जाते हैं। तो जीत को लेकर के आश्वस्त हैं पूरी तरह से, सिरसा और हिसार दोनों? 100% मानता हूँ, ये सिरसा और हिसार दोनों, और हरियाणा की 10 की 10 सीट जीते हैं। हिसार में इनेलो और जेजेपी भी लड़ रही हैं? रात में आज तक का एक चैनल देख रहा था शायद, नहीं एबीपी, आपने भी देखा होगा, राजस्थान की 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी के बता रहे हैं। ये तो एक तरफा इलेक्शन है, अंदाजे नहीं था कि ऐसा भी होगा, ये 77 में ऐसी वेव थी जो आज देख रहे हैं। तो सब इनेलो को मैदान में देखते हैं, हिसार में कहीं? मैं कहीं नहीं मानता, देखिए फाइट दो ही है, मोदी को जिताने की, मोदी को हराने की। जो एक पक्ष जो जिताने में खड़ा है, जिताने वाला पक्ष जो है वो 80% है, हारने वाला 20% है, उनका भी पता नहीं वो लास्ट में कहाँ तक रहेंगे। चौधरी रणजीत सिंह जी का ये रानिया हल्का, सिरसा पूरा संसदीय क्षेत्र, वैसे तो पूरे देश में और हरियाणा में काम किया है, लेकिन यहाँ विशेष तौर पर उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। आज करीबन 5 दशक की राजनीति उनकी होगी है, लोगों के सुख दुख में, उनके विकास में, उनके सशक्तिकरण में हर तरीके से वो खड़े रहे, ये सौभाग्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, मोदी जी का, मनोहर लाल जी का, नायब जी का, हमारे नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, विप्लव जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ कि इनको हिसार से प्रत्याशी बनाया और मुझे यहाँ से अपना विश्वास दे करके, कमल का निशान दे करके मैदान में उतारा है। तो निश्चित तौर पर जैसा चौधरी साहब ने कहा कि एक तरफा माहौल है, और ये अपने शब्दों में
कह रहे थे ये हमेशा कहते हैं अब तक कांग्रेस जीरो हो ली है, तो कांग्रेस जीरो है, जीरो के आगे और पीछे क्या आप लगाओगे। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हरियाणा की 10 की 10 सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीते होगी और मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित होगा, शिक्षित होगा, ताकतवर होगा, आर्थिक रूप से महाशक्ति बनेगा, 140 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए जो भी साथी हैं कोई गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, चुनाव बन चुका है मैदान में, तो चलो उम्मीदवार कौन देगा कौन नहीं देगा वो तो उनका विषय है, लेकिन एक महीने से हम सब लोग लगे हुए हैं और एक महीने में हमने कम से कम 5-5, 6-6 लाख लोगों से जनसंपर्क किया है। कांग्रेस की विडंबना ये है कि ना उनके पास उम्मीदवार, ना उनके पास संगठन, ना उनके पास समय पर वो कैंडिडेट उतारते, और आखिर में दोष किसको देंगे, दबे मुंह तो जनता को देंगे और खुले में ईवीएम मशीन को देंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आओ मैदान में आओ, कुछ करके दिखाओ, जब मौका मिला था कुछ करके दिखाया होता तो आज ऐसी दुर्गति नहीं होती कांग्रेस की। नहीं सब चौधरी साहब के साथ पहले ही, ये संयुक्त मोदी जी का परिवार है, सब लोग पहले ही लगे हुए हैं, लेकिन जैसे चौधरी साहब आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, आज पहले भी मेरा तो इनके साथ संबंध, जब यहाँ से कोई संबंध नहीं था सिरसा चुनाव पिछले 15 वर्ष में, तो घर हर तरीके से यहाँ पर हम दुख सुख में यहीं रहे हैं, और पहले भी इनका हमेशा आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी साथी हैं वो चौधरी साहब के नेतृत्व में वहाँ पर पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे, और उसके लिए जाने की भी आवश्यकता होगी तो हम सब लोग जाएंगे। जाता वही है जो कॉन्फिडेंट होता है, अब चौधरी साहब पूरे कॉन्फिडेंट हैं वहाँ पर, सारी इन्होंने मोटी मोटी रैली कर ली, जनसंपर्क तेज़ी से चल रहे हैं, और आज ये इनका, ये भी इन्हीं का परिवार है, इनका हल्का है, ये उनसे भी कहने के लिए कि भाई पूरी ताकत से लगो और मिलकर के, और चौधरी साहब कहते हैं सीधी सीधी बात कि भाई जो पार्टी के लिए काम करेगा उसके लिए तो मेरे दरवाजे खुले हैं, और जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसके लिए दरवाजे बंद हैं, यही हम सब के ऊपर बात लागू होती है। एक बात और भी है कि ये चुनाव अशोक तंवर का नहीं, ये मेरा। बिल्कुल चुनाव इन्हीं का है, और जब सीनियर लीडर हैं तो इनका भी है, और मैं समझता हूँ कि सारे लोग मिलकर के जो भी इनके साथी सहयोगी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी है, वो उसी भावना से लड़ती है कि भाई हमें देश के लिए काम करना, और वो सारे साइलेंटली अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं। तो सब तीन बड़े धुरंधरों का साथ आपको अब तक मिल चुका है, आने वाले समय में और समय भी बाकी है, असली चुनाव तो अभी बाकी है, तो बिल्कुल जिसका साथ आप समझ रहे हो उन सब का भी साथ मिलेगा। मोदी जी के कमल का जो निशान है बटन दबा करके, वहाँ पर उनकी झोली में लाखों फूल लोग डालेंगे, और बड़े से बड़ा जो नेतृत्व है इस संसदीय क्षेत्र का, पूरे हरियाणा का, आज हर व्यक्ति बीजेपी में आना चाहता है, बीजेपी किसको लेगी ये सवाल बीजेपी नेतृत्व के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि सब जो आए हैं उनका भी धन्यवाद है, और चौधरी साहब का आज विशेष धन्यवाद, स्वागत है।